please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification while I upload a new video. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मैं हूं अविक। तो चलिए शुरू किया जाए। आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं एक लो बजट माइक्रोफोन का। मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूं, तो मैं एक अच्छा वाला माइक्रोफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए बस मैं 250 रुपये का एक माइक्रोफोन खरीदा हूँ फ्लिपकार्ट से। आज उसे मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा आप कैसे 250 रुपये से 2000 रुपीज़ वाला माइक्रोफोन का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये रहा माइक्रोफोन। वो ये माइक्रोफोन का आप क्लिप दिया जाता है आपके शर्ट में या आपके कॉलर में लगाने के लिए। एक्चुअली ये जो माइक्रोफोन है कॉलर माइक्रोफोन है, मतलब आप अपने शर्ट के कॉलर पे लगा के अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो बढ़िया साउंड आएगा। आप ये माइक्रोफोन अपने स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर पाएंगे, अपने डेस्कटॉप के साथ यूज़ कर पाएंगे, अपने लैपटॉप के साथ यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो जैक है ये 3.5 mm जैक है। मैं तो अपने स्मार्टफोन में यूज़ करूँगा ये वाला माइक्रोफोन और मैं इस वीडियो में आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगा। ये रहा माइक्रोफोन का मेन यूनिट। यहाँ पे आपका माइक्रोफोन सेंसर दिया हुआ है जहाँ पे आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग होता है, मतलब वो सेंस करता है। ये एक ऊपर कवर दिया हुआ है, ये अपना आपका मुंह से जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो हवा निकलती है उस हवा से जो नॉइज़ पैदा होता है उस नॉइज़ को रिडक्शन करने के लिए ये कवर दिया जाता है, स्पॉन्ज का है। बस 250 रुपये में जो माइक्रोफोन मिला है मुझे बहुत ही बढ़िया है। जो बिल्ड क्वालिटी है उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बस 250 रुपये में आपको क्या दिया जाएगा। लेकिन आप इसे बड़े 2000-3000 रुपीज़ का जो माइक्रोफोन मिलता है उसका मज़ा ले सकते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। और इसके साथ जो वायर दिया गया वो भी बहुत लंबा है आपको यूज़ करने के लिए। तो पहले आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग करके। तो पहले मैं अपने स्मार्टफोन पे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। मॉर्निंग माइसेल्फ। फिर जो रिकॉर्डिंग वाला मेरे फ़ोन में सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, उसे ओपन करके रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। टेक्नोजन इन्फोकॉम में स्वागत। तो चलिए रिकॉर्डिंग करते। हेलो, गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अविक एंड आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम में स्वागत है। हो गया रिकॉर्डिंग, अब आपको सुनाते हैं कैसा साउंड आया है। ये उतना अच्छा नहीं आया, अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये उतना अच्छा नहीं होगा, सुनिए। आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजन इन्फोकॉम में स्वागत है। जैसे आपने सुना इसमें आपको बहुत नॉइस मिलेगी और ये उतना अच्छा भी सुनने नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दिखाऊंगा ये इस नॉइस को कैसे आप रिड्यूस करेंगे, बिल्कुल ही नॉइस नहीं रहेगा। तो अभी आपको डेस्कटॉप में ले जाके दिखाते हैं कैसे आप जो नॉइस है उसे रिडक्शन करेंगे। जो फाइल रिकॉर्डिंग हुआ था मेरे फ़ोन में उसे मैं ट्रांसफ़र कर लिया हूँ यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग वन, उसे मैं ट्रांसफ़र कर लिया हूँ। तो नॉइज़ रिडक्शन करने के लिए आपके पास ऑडासिटी होना चाहिए, ऑडासिटी जो सॉफ्टवेयर है उसे वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे मैं जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था वो M4A फाइल में है, ऑडासिटी M4A फाइल रीड नहीं करता है, तो आपको उस फाइल को M4A को किसी भी मीडिया कन्वर्टर से MP3 करना पड़ेगा। तो चलिए पहले MP3 कर लेते हैं।
MP3 हो जाने के बाद उस MP3 फाइल को, मतलब जो रिकॉर्डिंग फाइल है MP3 फॉर्मेट में, उसे ऑडासिटी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद चलिए प्ले करके दिखाते हैं कैसा नॉइस आ रहा है इसमें। हेलो, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ। देखिए पूरा नॉइस है, पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है पूरा नॉइस आ रहा है। तो अभी मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल ही क्लियर साउंड आएगा मेरा। आप सब उसके लिए सबसे पहले आप नोटिस कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग करने से पहले थोड़ा जो रिकॉर्डिंग है मतलब थोड़ा टाइम मैं ब्लैंक छोड़ा हूँ। आपको हमेशा यही करना पड़ेगा, जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग के पहले थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ना है जहाँ पे वो नॉइस रिकॉर्ड होगा। तो उस नॉइस को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो गया, अब ऊपर इफेक्ट में जाइए और इफेक्ट में जाके नॉइस रिडक्शन को चूज कीजिए। अब नॉइस रिडक्शन को चूज करने के बाद गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके पूरा ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए। फिर इफेक्ट में जाके नॉइस रिडक्शन पे जाइए और जो भी वैल्यू है उसे रहने दीजिए, कहीं पे भी आपको टच नहीं करना है, बस रिड्यूस पे क्लिक करना है और ओके दबाना है। उसके बाद आप प्ले कीजिए, आप नोटिस कीजिए जो बैकग्राउंड नॉइस था वो बहुत हद तक घट गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ आफिक एंड आप सभी को टेक्नो। अगर आपके ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइस अभी तक रहा पहले बार नॉइस रिडक्शन में, तो आप दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट में और इक्विलाइजेशन पे जाना है, फिर बास बूस्ट को चूज करना है और ओके दबाना है। फिर इक्विलाइजेशन पे जाना है और ध्यान रहे पूरा ऑडियो सिलेक्ट होना चाहिए, फिर टेरिबल बूस्ट पे क्लिक करना है और ओके दबाना है। ओके, फिर ध्यान रहे पूरा ऑडियो सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप दोबारा इफेक्ट में जाइए और नॉर्मलाइज चूज कीजिए, फिर जैसा वैल्यू वैसे रहने दीजिए और ओके प्रेस कीजिए। अब देखिए आपका जो वॉयस है वो बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर हो गया है, सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ आफिक एंड आप सभी को टेक्नोचन इन्फोकॉम में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोचन इन्फोकॉम में स्वागत है। हुआ है ना बहुत ज़्यादा लाउड और क्लियर। तो अभी इसे एक्सपोर्ट करना है एज ए MP3। तो एक्सपोर्ट फाइल में जाके एक्सपोर्ट ऑडियो क्लिक कीजिए और आपको जहाँ सेव करना है उस डायरेक्टरी में जाइए और सेव कर दीजिए। अब नाम दीजिए फाइल का और जो क्वालिटी है वो दीजिए 320 kbps और सेव कर दीजिए। उसके बाद ओके प्रेस कर दीजिए। अब ये हो गया सेव। अब ऑडासिटी को क्लोज कर दीजिए। अभी चलते हैं आपको जो एडिट किया हुआ है, नॉइस रिड्यूस किया हुआ है, उसे प्ले करते हैं। अब सुनिए कितना फर्क आ गया है पहले से। हेलो, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ आफिक एंड आप सभी को टेक्नोचन इन्फोकॉम में स्वागत है। अभी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। तो ऐसे आप अपने बस अपने 250 रुपये स्पेंड करके 2000-3000 माइक का मज़ा उठा सकते हैं। ये बस छोटे और बिगिनर यूट्यूबर के लिए मेरा सजेशन है। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन व्हाइल आई अपलोड अ न्यू वीडियो।